पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार रात जीआरपी थाने में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह को 20,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसएसआई ने छेड़खानी के आरोपी टीटी से केस में एफआर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। टीम आरोपी को पकड़कर सिविल लाइन्स थाने ले गई। यहां गुरुवार देर रात तक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई चलती रही। आरोपी एसएसआई चंद्रपाल सिंह की तैनाती जीआरपी मुरादाबाद थाने में है। 14 नवंबर को टीटी कोमल कृष्ण आनंद विहार से सुल्तानपुर जाने वाली एक ट्रेन में तैनात थे। ट्रेन में शबनम खातून नाम की एक महिला बिना टिकट पाई गई। टीटी कोमल कृष्ण ने रेलवे के नियमानुसार महिला पर जुर्माना लगाया। टीटी का कहना है कि इससे महिला काफी नाराज हो गई और कहने लगी कि नौकरी करना सिखा दूंगी। सुल्तानपुर में ट्रेन से उतरने के बाद महिला ने जीआरपी थाने में टीटी के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि महिला मुरादाबाद से ट्रेन में चढ़ी थी, इसीलिए मुकदमा यहां ट्रांसफर कर दिया गया। इसकी विवेचना जीआरपी के एसएसआई चंद्रपाल सिंह को सौंपी गई। आरोप है कि उन्होंने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर कोमल कृष्ण से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कोमल कृष्ण ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर मामला 50,000 रुपए में तय हो गया। टीटी ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। कोमल कृष्ण पंजाब से। एक्चुअली क्या है कि मैं टीटी हूँ रेलवे में, और 14 नवंबर को मैंने एक महिला को बिना टिकट चार्ज किया था जुर्माने के साथ। वो बिना टिकट पकड़ी गई थी और उसने जीआरपी सुल्तानपुर के साथ और आरपीएफ सुल्तानपुर के साथ मिलकर पहले मुझसे रिश्वत मांगी। जब मैंने उनकी शिकायत की तो मेरे पर छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज किया गया सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से मुकदमा ट्रांसफ़र होकर आया है मुरादाबाद में, जिनकी विवेचना चंद्रपाल सब इंस्पेक्टर जीआरपी गाजियाबाद द्वारा की मुरादाबाद द्वारा की जा रही है। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि ये साबित होता है कि पर्चा फर्जी है, तो एफआर लगाने के लिए मुझसे 1.5 लाख रुपये मांगे गए थे। तो आज पहली किस्त 20,000 रुपये मांगी थी, तो 20,000 रुपये देते रेड हैंडेड पकड़ा दिए गए हैं। सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम अभी संबल में रेड करने आए हैं, तो आज 9 बजे इन्होंने बुलाया था तो ये रेड हैंडेड पकड़े गए। स्टेशन से बाहर, स्टेशन बाउंड्री में। जी भैया, सब इंस्पेक्टर हैं जीआरपी मुरादाबाद श्री चंद्रपाल। शिकायत ये है, एक टीटी डिप्टी टीटी ई चेक जो चेकिंग टीटी चेक करते हैं, टिकट चेकिंग में जो रहते हैं, उनका नाम है कोमल कृष्ण, जो पंजाब पटियाला के रहने वाले हैं। उनकी ड्यूटी 14 नवंबर 2021 को ट्रेन में टिकट चेकिंग में लगी थी। उन्होंने एक महिला श्रीमती शबनम खातून के नाम से एक महिला को बिना टिकट के पकड़ लिया था। उसके पास कहीं भी जाने का कोई टिकट नहीं था, जो महिला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से चढ़ी थी। उसके बाद उनको चेक किया गया और टीटी के द्वारा जो है उनका 550 रुपये की रसीद काटी गई। उसने पहले तो बहुत आनाकानी की, उसके बाद खैर वो तैयार हो गई, 500 रुपये दिए, 50 रुपये फिर भी बाकी रह गए। और उसके बाद उस महिला ने इनको धमकी दी, कोमल कृष्ण को, कि देख लेंगे हम तुम्हें नौकरी करना सिखा देंगे, ठीक है, हम तुम्हारे खिलाफ़ जो करेंगे आगे देख लेना। उस महिला ने अगले दिन यानी कि 15/11 को सुल्तानपुर में जीआरपी थाने में इन कोमल कृष्ण के खिलाफ 354 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसके बाद वह मुकदमा यहां पर मुरादाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुरादाबाद में उसका क्राइम नंबर 101/21 अंकित किया गया, जिसकी विवेचना दरोगा जी जहाँ जीआरपी के हैं चंद्रपाल सिंह, वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि ये मुकदमे में एफआर लगा देंगे, अंतिम रिपोर्ट लगाएंगे, इसके लिए आपसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। इन्होंने काफ़ी गुजारिश की कि भाई ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, 1.5 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी मेहनत की गई उनसे, तो वो 50,000 रुपए पे तैयार हो गए कि 50,000 रुपए आप दे दीजिएगा और हम आपके मुकदमे में एफआर लगा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, हम 50 दे देंगे लेकिन हम 20-20 करके ही दे पाएंगे। इस बात पर वो तैयार हो गए। इसके लिए इन्होंने हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि मैं 20,000 रुपये भी नहीं देना चाहता क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आज मेरे खिलाफ़ झूठा मुकदमा लिखाया, मैं पैसे देके अपना काम कराऊंगा, तो कल को कोई और मुकदमा इस तरीके से लिखाएगा, हमारी ड्यूटी है टिकट चेक करने की। इन्होंने कहा मैं तो ट्रैप कराना चाहता हूँ, मैं पकड़वाना चाहता हूँ। इसकी वजह से इन्होंने एप्लीकेशन दी, जिसमें आज की ही तारीख थी। इसी बात पर हम लोग जो है इनको आज इस समय इन्होंने पैसे लिए और लेकर के अपनी जेब में रखे। वहीं पर हमने मौके पर स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन मुरादाबाद के बाहर से इनको अरेस्ट किया है।
जी यस, ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस तरीके का कोई ग्रोह चल रहा है जो कि पैसे लेकर, पैसे की डिमांड करते हैं उनको और बैठ जाते हैं। लेकिन इन्होंने खैर हिम्मत दिखाई कि हाँ साहब, मुकदमा तो लिख गया, चाहते तो ये भी अपना काम करा सकते थे। लेकिन पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।